हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो वादियाँ बहुत खूबसूरत हैं। एक्चुअली मैं भी इस जगह पे नहीं गई हूँ, बहुत जल्दी जाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी। और इसके बाद ये मॉर्निंग रूटीन है मेरी। आज रात को ही मैंने कपड़े सारे धुल दिए थे और मॉर्निंग में जैसे ही धूप लगी इनको डाल दिया। और इसके बाद फिर क्यारियों में थोड़ा घास ज़्यादा हो रखी थी और ऐसे भी मैंने सोचा कि देख आती हूँ कुछ सब्ज़ी लगी हो। तो मुझे इस तरह से अपनी क्यारियों की ना फ्रेश सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो चाहे थोड़ी सी ही अगर निकल आती है तब भी मैं उसको मिक्स करके बना लेती हूँ। तो इस तरह से मुझे थोड़ी सी भिंडी और बीन्स मिले हैं, तो इनको भी मैं बनाऊँगी। और फिर मैंने क्यारियों से ये घास वगैरह निकाली। यहाँ पर थोड़ी सी देर काम करना चाहिए, पसीना निकलता है तो अच्छा रहता है सेहत के लिए। वैसे इतनी घास में डर तो लगता है, कहीं कुछ सांप वांप या कोई भी कुछ भी बिच्छू वगैरह मिल जाए तो डर लगता है। और इसके बाद फिर ये नींबू हो रखे थे, पक गए थे दो तीन, तो मैंने सोचा इनको भी निकाल लेती हूँ। और आप में से किसी ने बोला था कि नींबू भी नहीं छोड़ते बंदर, इसलिए मैंने सोचा आज अपना गुजारा निकाल लेती हूँ, नहीं तो बंदरों का कोई भरोसा नहीं होता। फिर इसके बाद जब मैं ऊपर आई तो कपड़े अच्छे से धूप में सूख चुके थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी अंदर रख ही लेती हूँ, नहीं तो कोई पता नहीं होता मौसम का, एकदम से बारिश पड़ेगी तो ये फिर हल्के गीले हो जाएंगे, फिर से धूप लगानी पड़ेगी। तो इनको मैं रख दूँगी और उसके बाद फिर ये मेरे घर के साफ़ सफाई के काम चालू हो गए। तो वही यूजुअली जैसे मैं करती हूँ, पहले अंदर के रूम से सफाई करती हूँ, फिर बाहर की तरफ को लेके आती हूँ और झाड़ू का ही काम सारे घर से पहले कर लेती हूँ। तो झाड़ू लगाने में ही बहुत टाइम लग जाता है, ये होती है बड़े घर की डिसएडवांटेज। आप बोलते हो ना कि बड़ा सा घर होना चाहिए, अपने में तो अच्छा लगता है बड़ा सा घर, लेकिन साफ़ सफाई और मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अभी मैंने कैमरा बाहर की साइड को कर दिया है ताकि आपको अच्छे नज़ारे भी दिखते रहें मेरी साफ सफाई के साथ साथ। तो अभी मैं झाड़ू ही लगा रही हूँ, मॉपिंग फिर बाद में करूँगी। तो हाँ, नज़ारे तो बहुत अच्छे हैं, अगर बालकनी में ऐसे ही बैठ के देखते रहे ना बाहर की तरफ को भी, तब भी मन खुश हो जाता है। और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चली रहती है तो और भी मज़ा आता है, इतना पता नहीं चलता गर्मियों का भी। और साथ में डैडी जी फिर गपशप करते रहते हैं चाचू जी के साथ, तो ये भी मतलब मज़ा लेते रहते हैं मौसम का भी, और साथ में गपशप भी इनकी चली रहती है। तो ये तो हो गया फिर मेरा झाड़ू वाला काम, और इसके बाद फिर मैं मॉपिंग करूँगी। तो मॉपिंग के लिए भी वैसे ही अंदर से ही स्टार्ट करती हूँ, और फिर यहाँ से फिर डैडी जी के रूम से और किचन की सफाई, फिर जब मुझे लंच बनाना होता है ना तो साथ में ही सारा निपटाती हूँ। तो अगेन कैमरा मैंने सामने वाली साइड को कर दिया है ताकि आप मौसम का मज़ा लेते रहें और मेरी साफ़ सफाई चलती रहेगी। तो ये फिर डैडी जी का रूम, और साथ में फिर यहीं से निकल जाऊंगी किचन की तरफ को। तो अभी किचन में मैं पहुंच गई हूं और पहले साफ़ सफाई कर लूँगी। एक्चुअली इतना मुझे वर्क रहता नहीं है किचन में, शाम को मैंने अच्छे से क्लीन किया होता है, लेकिन अभी क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर दाल बॉयल की थी और उसमें मुझसे पानी थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था, तो वो बाहर को निकली और फिर से मतलब सारा का सारा मुझे साफ़ करना पड़ा। गैस पे सारा इधर उधर बिखर गया था, पानी पानी छींटे पड़े थे, तो फिर अगर ताज़ा ताज़ा साफ़ ना करें तो फिर वो जम जाते हैं, बाद में फिर ज़्यादा मेहनत लगती है। तो पहले मैं ये काउंटर टॉप ही अच्छे से क्लीन कर लूँगी और उसके बाद फिर जो बर्तन हो गए हैं, क्योंकि मॉर्निंग में भी ब्रेकफास्ट के टाइम के बर्तन हो जाते हैं और कई बार ये छूट जाते हैं हमारे से, एक आध बर्तन जो कि फ्रिज के अंदर रह जाते हैं या फिर रूम में छूट जाता है, तो वो सारे मैं अभी क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर होती है मेरी लंच की तैयारी शुरू। आज लंच में मैं बना रही हूँ सोयाबीन की दाल, थोड़े से चावल और रोटी भी बनाऊँगी क्योंकि बिल्कुल चावल ही इनको पसंद नहीं है। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बिल्कुल चावल और दाल ही खाना पसंद करती हूँ, रोटी अगर एक आध बार मन करे तो ले लेती हूँ। और फिर मैं बहुत मोटी भी हो जाती हूँ, पर उसकी मुझे चिंता नहीं रहती, मैं अपना 1 वीक वाला वो मेथड यूज़ करती हूँ और थोड़ा हल्की भी हो जाती हूँ फिर। तो बर्तन मेरे क्लीन हो चुके हैं और इसके बाद मैं सिंक भी क्लीन कर लूँगी। आप बोलते हो ना कि आप थोड़ा मतलब शॉर्ट में ही वीडियो बनाते हो, तो थोड़ा लॉन्ग में बनाया करो टाइम एलैप्स में, इसलिए मैंने फिर ये थोड़ा सा लॉन्ग में बनाया है। तो
अब मैं बना रही हूँ सोयाबीन की दाल। तो दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये लाल मिर्च सूखी और सूखा, ये बहुत सारा धनिया ऐड कर लिया है, साथ ही जीरा, और इसके बाद ये बहुत सारे अनियन मैंने इसमें डाले हैं। ये इसलिए डाले क्योंकि ये जो सोयाबीन की दाल होती है ना, इसको थोड़ा सा ग्रेवी की ज़रूरत पड़ती है, और आप चाहे जितना भी पका लीजिए फिर भी ये बहुत ज़्यादा घुलती नहीं है। और इसके बाद फिर हम इसमें ये डाल रही हूँ सूखे मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, हींग, कसूरी मेथी, मिक्स मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब चीज़ें ऐड की हैं। और फिर ये टमाटर भी ग्राइंड करके मैंने इसमें डाले हैं। हाँ, सब दालों में मैं नहीं डालती टमाटर, लेकिन जिनको ग्रेवी की ज़रूरत होती है उन दालों में मैं यूज़ करती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि अच्छी खासी ग्रेवी यहाँ पे बन चुकी है और टमाटर भी थोड़ा सा ऑयल छोड़ने लगे हैं, पक गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ये दाल। दाल जब मेरी उबली थी ना, उसके मैंने छिलके निकाल लिए थे, वो खुद ब खुद ही निकल आते हैं जैसे आप उसको हाथ से टच करते हो। तो ऐसे भी जब बॉयल होती है तब भी आधे उसके निकल आते हैं, तो उनको मैंने अलग कर लिया था। और अभी बस अब थोड़ी सी देर इसको बॉयल आने दूंगी और बस रेडी है मेरी दाल। साथ ही चावल मैंने चढ़ा दिए होते हैं साथ में ही जब मैं तड़का लगा रही होती हूँ। और इसके बाद जब टाइम बच जाता है तो फिर मैं कोई और सेटिंग करती हूँ घर में। आज मैंने अलमीरा सेटिंग करने की सोची हुई थी और ब्लैंकेट मैंने अभी तक अंदर डाला नहीं था, ये ऐसे ही तह लगा के रखा हुआ था इधर। रात को ठंड होती है इसलिए ज़रूरत पड़ जाती है। अरे भाई, तू फोन क्यों उठा रही है? 50 बार फोन किया मैंने, फोन क्यों नहीं उठा रही है? पागल है, दिमाग का फर्क है तेरे यार। उसको दूसरे नंबर पे फोन किया, वो नहीं उठा रही है। तो यार वहाँ साला चलान हो गया, मेरा वॉलेट नीचे रह गया भाई। बस मैं वो थी अब घर काम नहीं दिखे ना, सौगी मेरा काम मेरा क्या हुआ यार, तुझे पता है ना फोन नहीं लग रहा हूँ। अच्छा इतने पर क्या बोलते हैं, कैप्चर कर रही थी साथ में, साफ सफाई काम बिक रही थी। तू पागल है, तेरे दिमाग में है फर्क यार। साइलेंट है तो देख रहे हूँ, चलान हो गया, बोले डॉक्यूमेंट मेरे उस वॉलेट में थे सारे के सारे। तो ये पता लगा फोन उठा ले यार, तेरे YouTube के चक्कर में साला वहाँ पंगा हो गया मेरे पुलिस वालों के साथ। यार मुझे पता था, मुझे सुपराना था अभी तेरे सुपर लेना चाहिए थे ना। गलती अपनी है, इसलिए ये तो जॉब पे होते हैं। गलती मेरी यार, फोन कभी भी किसी के भी उठाना चाहिए, गलती ये जाए बाढ़ में यार। वो अर्जेंट है कि अर्जेंट है ये? बस माफी नहीं, पर पता क्या होता है हर चीज का यार। वैसे एक बात बताऊं, कैमरा की ऑन है यार। तो आपने देखा ना अभी पतिदेव का गुस्सा, ये तो मैं चुप रहेगी अगर मैं भी इसी तरह से फाइट करने लग जाती। पहले होता था हमारे साथ, ये इतने ही गुस्से में रहते हैं यार। ये देखना, ये पड़ा हुआ वॉलेट यहाँ पे, ये देख, ये पड़ा हुआ वॉलेट। तो यार मेरी गलती है, मुझे क्या पता, गलती हो जाती है यार। नहीं रही वहाँ पुलिस वाला, बोलो व्हाट्सएप भी करते, व्हाट्सएप किसको करना यार, जब तू फोन ही नहीं उठा रही थी, गुस्सा नहीं आता दिमाग में यार। अब मेरा फोन लगा हुआ था इधर शूट पे और मैं साथ में काम भी कर रही थी अपने घर का यार। और एक बात बताऊं, अब घर के काम कर रहे हो, कोई इतना ध्यान कहाँ देता है कि क्या है क्या नहीं। और मैं तो मैक्सिमम जब भी मुझे ना, ये फोन एक बहुत बड़ी बीमारी लगती है, अगर एक बार हाथ में पकड़ लिया ना तो आपको हजार चीजें मिल जाएंगी इसके ऊपर कि हाँ अब बिजी होने के लिए। और इसीलिए मैं मैक्सिमम क्या करती हूँ कि सुबह मॉर्निंग के टाइम में बिल्कुल भी फ़ोन यूज़ नहीं करती और सीधे लग जाती हूँ अपने घर के कामों में। फिर जब मुझे वीडियो डालना ही होता है, क्योंकि पता है यार मेरा काम बन चुका है ये, तो मैं फिर फ़ोन को साइलेंट कर देती हूँ और सीधा शूट पे रहता है यही। इसी से मैं मतलब आपको, आपके लिए वीडियो जो मैं बनाती हूँ तो मैं फोन से ही बनाती हूँ, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कैमरा नहीं है। और बेचारा वो, ये तो ये बता कि पुलिस वाला, वो ट्रैफिक पुलिस वाला बड़ा अच्छा था, उसने बोला यार व्हाट्सएप पे होंगे। मैंने कहा सर पूरा है वॉलेट, तो वो तो ये बोल के थोड़ा जानने वाला था कि हाँ भाई यार अभी बहुत ज्यादा हाइपर है, गुस्से में है, इसलिए बहुत सारी बातें बोलेंगे ही। तो मतलब ऐसा नहीं है यार, ये इस तरह के नॉर्मल झगड़े सब घरों में होते हैं, हमारे भी होते थे, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप के झगड़े भी हमारे हुए हैं। मतलब कि इस तरह के नॉर्मल झगड़े हर एक घर में होते ही हैं। अब पंगा होने के लिए हो जाता दोबारा से अगर इसने भी, और अगर अच्छी खासी लड़ाई हो जाती तो फाइट होगी थी, अभी इसने भी नहीं रुकना था। चलो इसने, इसकी एक अच्छी बात लगी है, इसने अपना यार, पता क्या जब भी बंदा गुस्से होता है, चलो अभी एक गुस्से में थे इसलिए बोल रहे थे, तो चलो अगर मैंने ही सुन लिया थोड़ी देर के लिए। अभी आधी चीज मैंने काट ली, बहुत अभी इन्होंने मतलब लेक्चर दिया मुझे बहुत बड़ा सा, तो मैं चुपचाप बस जैसे अभी बैठी हूँ ना ऐसे ही बैठ के सुनती रही। तो मतलब ये क्वालिटी होनी चाहिए अगर कोई भी, ऐसा जरूरी नहीं है कि जेंट्स के बारे में ही बात की जा रही है, अगर लेडीज को भी बहुत गुस्सा आ जाता है यार घर में, पता
100 काम होते हैं, उनमें कभी ये आपका परफेक्ट नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो गुस्सा आता ही है। इस वजह से मतलब जेंट्स को भी ये चीजें सोचनी चाहिए। आप बोलो क्या बोलते हैं, वो तो सोचना चाहिए, पता है अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए, पर जब एक बंदे को गुस्सा आ जाए तो ये दूसरा थोड़ी देर शांत हो जाए। अब मुझे गुस्सा आया तो ये शांत होगी, तो नहीं तो पंगा हो जाता, ये भी करती वो भी करती। इसलिए ये है कि मैनेज करके चलना चाहिए। और रियलिटी में तो गुस्सा भी बहुत आया हुआ था मैंने, बहुत, मतलब कि समझ सकते हो आप यार, तो मतलब कि यार ऐसा नहीं है, गुस्सा मुझे भी आ गया था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए ये कुछ कर रही हूँ, अगर यूट्यूब पे भी कर रही हूँ, एक्स्ट्रा टाइम में यहाँ पे डिवोट कर रही हूँ, तो वो फैमिली के लिए ही, कि अगर हाँ मेरे पास भी खुद से कुछ आ जाएगा तो मेरे उतने, और वैसे भी आपने देखा तो है ही ना मैं कितनी कंजूस हूँ, तो मतलब फ्यूचर के लिए ही खाता खोल दिया मैंने पोस्ट ऑफिस पे, जो यूट्यूब से मतलब थोड़ा बहुत आएगा, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं खुद पे खुद के लिए कर रही हूँ एक्स्ट्रा में, तो मैं, और अगर ऐसे भी अगर मैं ही चीज पे आ जाऊँ कि नहीं क्वालिफाइड तो मैं भी हूँ, एजुकेटेड तो मैं भी हूँ, तो अगर मैं ऐसे ही लग जाऊँ करने कि हाँ आप मुझे धोस जमाते रहते हो, मुझे भी जॉब करनी है, चली जाऊँ घर से बाहर, हो जाता है, होने को क्या कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आजकल की नारियाँ उस जमाने की है कि हाँ पति ने कुछ भी बोला सुन लिया, ये है वो है, सबकी बस की बात नहीं होती इतना भी सुनना। लेकिन चलो मैं ना मतलब कि बहुत हुआ है ये लाइफ, पहले क्या होता था कि कुछ बोल दो तो अपना बोरी भी चक्कर नहीं पीछे नहीं, ये तो ये गलत ही बोल रहे हैं ना, माइक के तो मैं कभी भी नहीं गई जब से मेरी शादी हुई है ना। अरे तुझे भी बोल रहा हूँ, गाँव की बात बोल रहा हूँ, औरों की बात जो गाँव में होता है, किसी ने कुछ बोल दिया चक्कर नहीं, तू यहाँ कोई चक्कर नहीं, और होगी लड़ाई, उनको अब हर एक चीज लेडीज ने ही मतलब ठेका थोड़ी नहीं लिया हुआ है, फैमिली तो दोनों की है, इक्वलिटी होनी चाहिए। तो बस यार पता क्या होता है, पर सिचुएशन देख के ही होता है सब कुछ, अगर दोनों ही इस तरह से वायलेंट हो जाएं तो एक बहुत बड़ी लड़ाई बन जाती है। तो चलिए, ये तो छोटी मोटी नोकझोंक होती ही रहती है पति पत्नी के बीच में, लेकिन अगर बात बढ़ने वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है तो किसी एक को थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। यही मेरा मोटिवेशन है इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने का, और आप कुछ गलत मत सोचिएगा। तो चलिए, अभी लड़ाई झगड़ा हो ही चुका है तो कुछ मुंह मीठा कर लेते हैं। तो मुंह मीठा करने के लिए मैं लड्डू बना रही हूँ। लड्डू बनाने के लिए मैंने ये ऑयल देसी घी डाल दिया है कढ़ाई में। तो लड्डू मैं नारियल के बना रही हूँ, और ये बुरादा मैंने पहले से ही कद्दूकस करने के बाद फिर मिक्सर जार में ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि मैंने जो पक्का वाला नारियल होता है ना, वो वाला यहाँ पे यूज़ किया है। तो अब मैं इसे अच्छी तरह से पका लूँगी, फ्रेश नारियल नहीं यूज़ किया है मैंने, और थोड़ा सा टाइम लगता है इसको पकने में, तो मैं लगातार इसको चलाते हुए पका लूँगी। 2-3 मिनट में ये अच्छी तरह से पक जाता है। अच्छी तरह से पकाने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। तो मैंने बहुत ज़्यादा लड्डू नहीं बनाने हैं, इसलिए थोड़ा ही बुरादा लिया था, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने चीनी भी डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी ऐड कर सकते हो, जितना भी आपने बनाया है। और चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट होने के लिए थोड़ा सा मैंने दूध का यहाँ पे यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं डालना है। तो अभी आप, चीनी मेरी अच्छी तरह से घुल चुकी है, और थोड़ी सी देर हम इसे फिर से पका लेंगे ताकि इसमें कोई भी लिक्विड ना रह जाए। और इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है ये मिल्क पाउडर, नेस्ले का लिया है, और कितना ऐड किया है, 10 रुपये का जो पाउच होता है ना, वो मैंने इसमें ऐड किया है, उतना ही मुझे ज़रूरत थी। इसे भी अब हम अच्छी तरह से पका लेंगे, जब तक कि अब ये सारा का सारा मिक्सचर कढ़ाई को छोड़ने ना लगे। तो बस अब मेरा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है, और थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसे लड्डुओं की शेप दे देंगे। तो मैंने भी फर्स्ट टाइम ही बनाए हैं ये लड्डू, और हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत भूल चूक हो जाती है, लेकिन मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छा रहता है, इतना मतलब है कॉन्फिडेंस मुझे। हाँ, बाद में दूसरी बारी में थोड़ा बहुत मैं कर देती हूँ ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, अदरवाइज़ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छा रहता है। तो बस जी, अब लड्डू मेरे तैयार हैं, इसी तरह से मैं सारे के सारे लड्डू जितने भी इसके बनेंगे वो बना लूँगी। मुझे और मेरे मृदुल को बहुत ज़्यादा पसंद है, शानवी को लड्डू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चलिए, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।